हेलो फ्रेंड्स, आज अपन जो बात करने वाले हैं आरपीएससी ने जो नई वैकेंसीज निकाली है उनके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज थी, फिर इसमें योग्यता क्या चाहिए, एज कितनी होगी, कब से फॉर्म अप्लाई करने हैं, सीईटी के अंडर में आएगा या नहीं आएगा, इसकी एग्जाम कब होगी, सिलेबस क्या है। अपन वन बाई वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आरपीएससी है, मतलब ये जो वैकेंसीज है ये आरपीएससी के द्वारा निकाली गई है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी आरपीएससी ने निकाली है और इसमें सीईटी नहीं होगा, क्योंकि सीईटी के दायरे में वैकेंसी नहीं है। वनडे का एग्जाम होगा है तो सीईटी से इसको बाहर रखा गया है। कोई ऐसा क्लियरली मेंशन किया नहीं है, ना सीईटी का जो नोटिफिकेशन था उसमें कोई क्लियर मेंशन किया हुआ है। ये वैकेंसीज हैं ये मुख्य रूप से तीन पदों पर निकाली गई है। तीन पद हैं इसमें। इसमें एक पद है वो है सहायक अभियंता, सहायक अभियंता जिसको आप पॉपुलरली आईएएन बोलते हो, इसके लिए डिप्लोमा चाहिए। दूसरा जो पद है वो आरओ का पद है। आरओ का मतलब होता है राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी। और राजस्व अधिकारी में भी राजस्व अधिकारी टू लिखा हुआ आपने देखा हो तो ये कोई सेकंड ग्रेड नहीं है, राजस्व अधिकारी टू पद का नाम है। और अगला जो पद है वो ईओ, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, अधिशासी अधिकारी बोलते हैं, अधिशासी अधिकारी। फोर। अब पहले तो आपको ये ध्यान रखना है आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली है, तीन प्रकार के पद हैं, सहायक अभियंता, उसके बाद में आरओ, उसके बाद में ईओ। ईओ के साथ में फोर लिखा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, सर ये फोर का मतलब क्लास फोर है क्या, इसका मतलब फोर्थ ग्रेड की है क्या? नहीं, ये पद का नाम है अधिशासी अधिकारी फोर, ऑफिसर का पद है। इसमें ये 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये 48 4800 ग्रेड पे की, और ये 4200 ग्रेड पे की। मैक्सिमम स्टूडेंट के ग्रेड पे समझ में नहीं आता है, पॉपुलर में बता देता हूँ, ये ग्रेड फर्स्ट की जॉब है, ये भी ग्रेड फर्स्ट की जॉब है, और ये सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। ये दोनों गजेटेड पोस्ट है और ये ग्रेड सेकंड की ऑफिसर की पोस्ट है। कितने कितने पद आए उन पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सहायक अभियंता के जो पदों की संख्या है वो 41 है, आरओ के जो पद है वो 14 पद हैं, और ईओ के जो पद हैं वो 63 63 पद हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सर इतने कम पद, देखिए ऑफिसर की पोस्ट में इतने ही पद आएंगे, आरएस की वैकेंसीज में आप देखते हैं एसडीएम डीओआई एएसपी के टोटल मिला के 100 150 पद आते हैं। तो जितनी बड़ा पद होगा वैकेंसीज की नंबर उतनी कम होगी, पर हाँ है वो शानदार पोस्ट ये। तो सबसे पहले आरपीएससी की वैकेंसी है, तीन प्रकार के पद हैं, आरओ ईओ और आपके इंजीनियर। अब देखते हैं इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए आपको। योग्यता तो पहला डाउट आपके योग्यता को लेकर अपन क्लियर करते हैं। देखिए योग्यता इसमें जो इंजीनियर का पद है जिसको आप आईएएन बोलते हो, आईएएन वाले में आपके पास इंजीनियरिंग सिविल डिप्लोमा होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं, अपन उस पर कम बात करेंगे। जो आरओ और ईओ का जो पद है इन दोनों पदों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप बीए हैं, चाहे बीएससी हैं, चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी अन्य डिग्री कर रखी हो, तो आप इन दोनों पदों के लिए इलिजिबल हैं। और देसी भाषा में कहूं तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए लाइक है, फॉर्म भर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के भ्रांति होगी, सर जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जो अभी फाइनल ईयर में है क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? यस, वो भी फॉर्म भर सकते हैं जो फाइनल ईयर में अपीयर है या जो फाइनल ईयर में है। अगला जो आपका क्वेश्चन होता है वो होता है एज को लेकर कि इसमें एज कितनी चाहिए, उम्र कितनी चाहिए। देखिए इसमें एज है 18 से लेकर 40 साल तक है, पहली बात तो ये। दूसरे की एज की कैलकुलेशन कब की जाएगी, एज की जो कैलकुलेशन होगी 1/1/2023 को एज की कैलकुलेशन की जाएगी। जो ऊपरी आयु होती है राजस्थान सरकार के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अनुसार जो ऊपर की उम्र होती है जिन्होंने 40 साल कर रखा है उनको कुछ एडिशनल छूट दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि सर जो छूट होती है वो नीचे वाली एज में नहीं होती है क्या, कि मान लेते हैं उम्र 18 साल चाहिए फॉर्म भरने के लिए और कोई के एग्जाम में तो 14 साल का हूं, 5 साल की छूट मिल जाएगी, 4 साल की छूट मिल जाएगी, वो नहीं मिलती है। छूट हमेशा ऊपर की उम्र में मिलती है। तो मिनिमम तो आपकी 18 होनी चाहिए, 18 से लेके 40 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, जो एज क्राइटेरिया में है 1/1/2023 को आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। तो तीन सवाल आपके अभी क्लियर हो गए, एक योग्यता को,
एक पद को लेकर, एक एज को लेकर। चौथा जो सामान्य सवाल है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आज 29 तारीख है, आज से फॉर्म चालू होंगे और अगली 27 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो 29 अगस्त से लेके और फिर 27 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस को लेकर है। सिलेबस को लेकर देखिए, मैं दो सिलेबस है उन पर चर्चा कर लेता हूं। जो ईएन वाला पोस्ट है या तो इस पर कभी बाद में बात की जा सकती है। ये जो दो पद हैं आरओ और ईओ, इस पर अपन बात करते हैं। आरओ और ईओ, ये जो दोनों पद हैं इनके लिए क्या सिलेबस रखा है। वैसे तो आरपीएससी ने ये मेंशन किया है कि डिटेल्ड सिलेबस है वो बाद में अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा, पर अभी जो उन्होंने सिलेबस दिया है उस सिलेबस को अपन दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं, दो कैटेगरियों सिलेबस की। उसमें 120 नंबर का पेपर होगा और यह आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि शायद ही राजस्थान में ऐसा कोई पद है जो इस लेवल अधिकारी लेवल का पद हो और वन डे एग्जाम में होता हो, ना प्री है ना मेंस है ना इसमें इंटरव्यू है। तो शायद ही ऐसा कोई पद है जो इस लेवल का हो और साथ ही साथ वन डे एग्जाम का हो। 120 में से 80 नंबर का आएगा जीके, और जीके में भी कौन सा जीके, राजस्थान का जीके, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की कल्चर आएगी, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो होल कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान उसके बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ये 80 मार्क्स का आपके जीके वाला सेक्शन आएगा पार्ट ए में, और जो पार्ट ब है पार्ट बी, इस पार्ट बी में 40 अंक का आपके नगर पालिका एक्ट लिखा हुआ है और साथ में विविध योजनाएं नगर निकाय की। इस सिलेबस को सर आपको बहुत अच्छे से मेंशन करके बता देंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसके लिए तो अपने जो गुरु ऐप पर, जो गुरु नोट्स ऐप अपने बना रखा है, उस पर सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। बात इस 40 अंक की करते हैं। इस 40 अंक को अपन तीन भागों में बांटकर समझ सकते हैं, तीन भागों में। पार्ट बी 40 अंक, इसको अपन तीन भागों में डिवाइड करेंगे। ये तीन भाग आरपीएससी ने नहीं डिवाइड करें, अपन सिलेबस को समझने के लिए इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। इसमें पहला भाग है नगर पालिका एक्ट 2009। इसमें पार्ट एक तो ये है नगर पालिका 2009। दूसरे में पढ़ सकते हैं नगर निकाय नियम व योजनाएं, और तीसरे पार्ट को अपन समझ सकते हैं 74वां संविधान संशोधन। बहुत क्लियर, आपको ध्यान रखना है सिलेबस में केवल नगर पालिका एक्ट पढ़ना सफिशियंट नहीं है, उसके साथ आप माइन्यूर से सिलेबस को देखते हैं। वहां पे लिखा हुआ नगर निकाय संबंधित विविध योजनाएं और नगर निकाय संबंधित कुछ रूल्स आपको पढ़ने हैं। ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, पर इसके बिना नगर निकाय पढ़ना अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि 74वां संविधान संशोधन प्योरली नगर निकाय से संबंधित है और इसमें से आरपीएससी ठीक ठाक क्वेश्चन बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो 74वां संविधान संशोधन, नगर निकाय नियम व योजनाएं और नगर पालिका एक्ट 2009। वन बाई वन करके अपन इस पे बात करते हैं कि इस सिलेबस को कैसे कवर करना है। देखिए, जो नगर पालिका एक्ट है, नगर पालिका एक्ट 2009, ये अपने आप में पूरा एक एक्ट है, पूरा एक अधिनियम है, 400-500 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। और इसको आप अगर बहुत अच्छे से अपन देखते हैं तो इसमें अपन को मुख्य रूप से तीन चीजें पढ़नी होगी नगर पालिका 2009 में। पहली बात अपन को पढ़नी होगी कि इसमें कितने चैप्टर हैं, अध्याय कितने हैं, अध्याय। इसके बाद अपन को पढ़नी है अनुसूचियां कितनी हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, और इसके बाद पढ़नी इसमें धाराएं कितनी हैं, सेक्शंस कितने हैं। तो देखिए, ये वैसे भी आपको खतरा ही लगता है, तो 17 अध्याय हैं। हाँ, अध्याय पढ़ने के बाद आप जरूर 6 लगाओगे, 6 इसमें अनुसूचियां हैं और धाराएं तो 3-4 याद करनी है आपको, मतलब 3-4-4 3-4-4। बात समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया आपका सिलेबस पढ़ने के साथ ही।
नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितनी धाराएं हैं? 344 धाराएं हैं, 6 अनुसूचियां हैं और अध्याय इसमें 17 है। बहुत आसान आसान से 17 अध्याय है। उसमें यह बताया गया है किस प्रकार से नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा, किस प्रकार से नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली होगी, नगर पालिकाओं की संपत्ति क्या क्या होगी। जैसे अगर मैं हल्का सा ब्रीफली डिस्कस करूं सारे अध्याय पर, तो 17 अध्याय है। इसमें नंबर एक जो पहला अध्याय है वो प्रारंभिक के बारे में लिखा गया है, बेसिक्स के बारे में लिखा गया है, परिभाषाएं लिखी गई है। अध्याय जो दूसरा है उसमें नगर पालिकाओं का गठन लिखा गया है। अध्याय तीन में नगर पालिकाओं के कार्य संचालन के बारे में लिखा गया है। 4 में संपत्ति के बारे में लिखा गया है। 5 में निधि के बारे में लिखा गया है। 6 में ऑडिट के बारे में लिखा गया है। 7 में राजस्व के बारे में लिखा गया है। 8 में उधार के बारे में लिखा गया है। 9 में कुछ वाणिज्य परियोजनाएं उनके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा 10 में विकास के बारे में लिखा गया है। 11 में नगर विकास के बारे में है। 12 शक्ति से संबंधित नगर पालिका की। 13 में वाद वियोजन है। 14 में नियंत्रण से संबंधित है। 15 में कर्मचारी वर्ग है। 16 में इम्प्लीकेशन है और उसके बाद में 17 में प्रकीर्णन है। ये टोटल 17 अध्याय है। बहुत आसान आसान है, अगर लोक की भाषा को छोड़कर अपने बेसिक से सीखेंगे इसको तो टोटल 17 अध्याय है और 6 इसमें शेड्यूल है और 344 धाराएं अपन को इसमें पढ़नी है बेसिकली। इसके बाद ये तो नगर पालिका 2009 ये अपन को कवर करना है। इसके बाद जो अपन देखने वाले हैं वो देखेंगे नगर निकाय से संबंधित नियम, नगर निकाय नियम, नियम इन नियमों में पहला नियम अपन पढ़ सकते हैं मॉडल भवन एवं कंपाउंडिंग विधियां, कंपाउंडिंग विधियां। दूसरा अपन पढ़ सकते हैं नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम। के रूल्स हैं। इसके बाद में अपन तीसरा पढ़ सकते हैं नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम। इसके बाद में अपन चौथा अपन एक और पढ़ सकते हैं इसमें नंबर 4 लगा के नगर पालिका भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन दिशा निर्देश 2015। इसमें बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे ये लॉ हैं जिनको अपन कवर कर सकते हैं बहुत सामान्य भाषा में सीखकर। सबसे पहले है मॉडल भवन इन कंपाउंडिंग विधियां। इसमें ये लिखा गया कि किस प्रकार से नगर पालिका में आप भवन बना सकते हैं, मॉडल भवन का क्या होगा, आप सेटबैक क्या हो सकता है, कंपाउंड कितना होगा, ये सारा का सारा लो आपको पढ़ना है। दूसरा है नगर पालिका भूमि निष्पादन के नियम अपन को पढ़ने। तीसरा सामान्य क्रय अनुबंध के क्या नियम होंगे और चौथा नगर पालिका भूमि उपयोग परिवर्तन दिशा निर्देश जो 2015 में सरकार ने जारी किए थे उनके बारे में अपन को पढ़ना होता है। तो बेसिकली अपन ये वाला सेक्शन करेंगे, इसमें आपके कवर होगा नगर पालिका संबंधित विविध नियम। इसके अलावा सिलेबस में लिखा हुआ है नगर पालिका की योजनाएं। योजनाओं में देखो जो जो योजना राज्य सरकार ने चला रखी है इसमें कुछ फ्लेक्सिप योजना भी पढ़ सकते हैं ताकि करंट का क्लियर हो जाएगा। साथ में जैसे शहरी विकास संबंधित कुछ योजना चल रही है, कुछ लोन से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। और अंतिम जो 74वां संविधान संशोधन है इसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी, कौन से अनुच्छेद जोड़े, उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सिलेबस को अगर बहुत अच्छे से आपको कोई बता दे और ठीक से इसको आप कैटेगराइज डिकोड कर ले तो काफी आसान सिलेबस है, बशर्ते आप इसको थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई भी एडवांस नहीं है, सारे एक लेवल पर हैं, किसी को इसमें कुछ नहीं आता होता है। इसलिए आप अगर अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आगे वो निकलेगा जिसने अच्छे से रूल को समझा है, अप्लाई किया है और उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करके आया है। इसलिए आप लोगों को ये रूल्स वगैरह अच्छे से बता दिए जाएंगे वो साधारण भाषा में करके, ताकि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भ्रांति दूर हो जाएगी। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। सर इसमें आपको और कुछ बताएंगे फर्स्ट पेपर के बारे में कि फर्स्ट पेपर को कैसे क्या कवर कर सकते हैं, उसके बारे में सर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं।